अंग्रेजों भारत छोड़ो आंदोलन का नारा बुलंद हुआ सन 1942 8 अगस्त रात में कांग्रेस की बैठक होती है जिसमें महात्मा गांधी जी करो या मरो का नारा देते हैं और 9 अगस्त को पूरे देश के लाखों लोग सड़कों पर उतर कर और इस नारे को बुलंद करते हैं और लोगों के अंदर एक क्रांति जागती है और लोग इस आंदोलन को खड़ा कर देते हैं कि अंग्रेजों को कमर तोड़ जवाब मिला, मुंह तोड़ जवाब मिला और हमारा देश आज़ाद हुआ। आज अजमेर शहर जिला कांग्रेस कमेटी की ओर से हमारे शहीदों को मैं शश्वत नमन शश्वत वंदन करता हूँ और इस मौके पर यही भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि जो केंद्र में बैठी हुई सरकार है उसे सद्बुद्धि दे कि जिन शहीदों ने अपना खून पसीना बहाकर अपने प्राण गंवाकर इस देश को आज़ादी दिलाई उसको यूँ पानी की तरह निभाएं और हमारे देश की उन संपत्तियों को हमारे देश के भाईचारे को हमारे देश की एकता अखंडता को बनाए रखें यही प्रार्थना। दिवस के रूप में मनाया जाता है शहीदों के याद करते हुए शहीदों को नमन करने के लिए 9 अगस्त को क्रांति दिवस के रूप में मना रहे हैं और हमारे जो शहीद हुए हैं देश में उनके लिए जो भगत सिंह आज़ाद सब लोगों ने देश के लिए बहुत कुर्बानी दी हमारे महात्मा गांधी जी ने 8 अगस्त को 1942 को घोषणा की कि भारत छोड़ो तो उसके लिए 9 अगस्त को जब उतरे तो लोग बहुत सड़कों पर थे और इसी का नतीजा है कि देश आज़ाद हुआ और आज़ाद होने के बाद जो आज सब खुली हवा में घूम रहे हैं और अपनी बात को कह पा रहे हैं वो हमारे शहीदों की ही देन है उसको लेकर हम उनको नमन करते हैं उनको श्रद्धांजलि अपनी अर्पित करते हैं। जो देश में आज हो रहा है आज देखिए जब देश आज़ाद हुआ था तब कुछ भी नहीं था ये जिस प्रकार से बीजेपी जवाहरलाल नेहरू जी को गांधी परिवार को कोसती है अगर उनके बलिदान को देखे तो इनके एक चुटकी भर क्या नाखून भर की भी होड़ नहीं कर सकते। जब देश को ज़रूरत थी हमारे नेहरू जी ने अपनी सारी संपत्ति को यहाँ दान करके और इसरो और एम्स अस्पताल और बड़े बड़े बांध जो आज हम देख पा रहे हैं वो सब उनकी देन है उन्होंने अपनी संपत्ति से बनाए उन्होंने अपना खुद का मकान भी डोनेट कर दिया अपने रहने के लिए भी जगह नहीं रखी इसी प्रकार से हमारी इंदिरा गांधी जी ने भी नहीं रखी। तो ये जो देश के हमारे जो गांधी परिवार है उन्होंने अपना बलिदान दिया अपने खून की आहुति दिए तो ये के उनके लिए क्या बात करेंगे हमारे देश में किस तरह से षड्यंत्र रच रहा भी आपने देखा हमारी बहन विनेश फोगाट के साथ किस तरह से राजनीति खेली गई है जब वो फाइनल में गए अगर उनका वेट बढ़ रहा था तो सेमीफाइनल तक नहीं बढ़ रहा था क्या फाइनल में आके उनका वेट बढ़ा तो ऐसे मतलब षड्यंत्र के तहत और वो भी मात्र 100 ग्राम के लिए उनको डिसक्वालीफाइड कर दिया जबकि हमारे प्रधानमंत्री जी को अपना पत्र लिखना चाहिए था अपनी उसमें भेजना चाहिए था विरोध दर्ज करवाना चाहिए था कि हमारे खिलाड़ी के साथ इस तरह से कैसे किया जांच का मुद्दा था उसको जांच करवानी चाहिए लेकिन हमारे प्रधानमंत्री जी कुछ नहीं बोले इसके ऊपर जबकि विरोध सभी लोगों ने बोला राहुल गांधी जी ने बोला प्रियंका जी ने बोला और हम ये बात कहेंगे भी और सब लोग इस बात के लिए उनका सपोर्ट कर रहे हैं। हमारे अभी चौधरी साहब ने कहा वो बिल्कुल सही कहा कि उनको किसी भी राज्यसभा से उनको मेंबर बनाया जाएगा जिससे कि उनको एक प्रोत्साहन मिलेगा जिस प्रकार से देश में जो खिलाड़ी है उनके साथ अगर इस तरह से अत्याचार हो रहे हैं इस तरह से मतलब षड्यंत्र के तहत हो रहा है क्योंकि आपने देखा होगा वो सड़कों पे कुछ दिन पहले ही आपके सामने उन्होंने किस तरह से अपना संघर्ष करके वो ओलंपिक में गई तो ये भी एक षड्यंत्र की कहानी है। तो इसी तरह से ये षड्यंत्र करके देश में हर व्यक्ति के साथ इस तरह से कर रहे हैं वो देश में जो सही बात बोलता है उनकी बोलती बंद करने के लिए ये षड्यंत्र रचा जाता है और आपने देखा देश में किस तरह से बेशकीमती जमीनों को बेच रहे हैं। आज अजमेर की हालत देख लीजिए जगह जगह गड्ढे लोगों की हालत खराब हो रही है लोगों की हड्डियां टूट रही हैं इससे लेकिन प्रशासन को सरकार को कोई मतलब नहीं है कोई लेना देना नहीं है लेकिन हम इसके लिए आंदोलन करेंगे और इस अगर इन्होंने मैंने पत्र भी दिए हैं कई अगर नहीं सुने तो हम चौधरी साहब के नेतृत्व में अजमेर शहर में आंदोलन करेंगे और जनता को राहत दिलाएंगे। यही जिले का जो नारा बुलंद किया महात्मा गांधी जी ने पूरा देश एकजुट होकर के कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व में आज़ादी की लड़ाई लड़ी तत्काल 1 लाख लोगों को गिरफ्तार किया तो गिरफ्तारी हंसते हुए और ते दिल से उन्होंने जो गिरफ्तारी दी उसी का परिणाम है 15 अगस्त 1947 को देश आज़ाद हुआ। कांग्रेस पार्टी ने इस देश का निर्माण किया आधुनिक भारत का निर्माण किया कांग्रेस पार्टी ने आधुनिक भारत का निर्माण किया रेलवे स्टेशन का निर्माण किया एयरपोर्ट का निर्माण किया
देश में जो है पर्यटन में विकास किया, परंतु दुर्भाग्य के जब जब बीजेपी का राज आया तो अमूल्य संपत्तियों को इन्होंने नीलाम की और बेच दी। ये दुर्भाग्य की बात है। अजमेर शहर को स्मार्ट सिटी बनाने के लिए हजारों करोड़ रुपए अमेरिका बाहर से एड मिली, परंतु उन्होंने उनको जो है हाँ काम लिया। हम भारत सरकार और राज्य सरकार से अनुरोध कर रहे हैं कि भ्रष्टाचार की जांच करनी है तो अजमेर के स्मार्ट सिटी के हजारों करोड़ रुपए कहाँ गए। आज बिजली की समस्या क्यों की क्यों है, आज जो है पेयजल की समस्या भी यूँ की यूँ खड़ी है, सड़कें सारी खराब हो रखी है, सीवरेज लाइन खराब हो रखी है और बेरोजगारी देश में बेरोजगारी विकराल रूप धारण कर रखा है, महंगाई ने विकराल रूप धारण कर रखा है और बचे हुए सांप्रदायिक स्वार्थ देश में है। भारत सरकार वक्फ बोर्ड का ला करके उनको जो है ख़त्म करना चाहती थी, परंतु विपक्ष के मजबूत रणनीति के तहत कल उनको जेपीसी को समर्पित करना पड़ा बिल। मेरा यही कहना है कि भारत सरकार के तात्कालीन जो खेल संघ के कुश्ती संघ के अध्यक्ष थे उसको जेल में होना चाहिए, उसकी जगह उसे जो है खुला छोड़ रखा है। और हमारी फोगाट बहन जो लड़ने गई थी वहाँ 53 किलो में लड़ना चाह रही थी, उसको जबरन प्रेशर डाल के अपने आदमी को किसी और को 53 में लड़ाने के लिए इसको 50 किलो में लड़ने के लिए मजबूर किया गया। और साथ ही साजिश लगती है इसको जो है डाइट में कोई ना कोई चीज़ दी है जिससे इसका 100 ग्राम बजट बढ़ा, इससे भारतवर्ष का मान घटा है। ऐसा नहीं करना चाहिए, ऊँची हरकत नहीं करना चाहिए। प्रधानमंत्री जी को चाहिए था फोगाट से कम 2 बार बात तो करते, 1 राउंड जीती, 2 राउंड जीती, 3 राउंड जीती, 1 में भी उन्होंने जो है उसको बधाई नहीं दी। उनको हारने के बाद में भी हौसला अफजाई करनी चाहिए। मैं कांग्रेस पार्टी से अनुरोध करता हूँ कि फोगाट को राज्यसभा में किसी स्टेट से भेजा जाए। धन्यवाद। 9 अगस्त क्रांति दिवस अंग्रेजों भारत छोड़ो आंदोलन का नारा बुलंद हुआ सन 1942। 8 अगस्त रात में कांग्रेस की बैठक होती है जिसमें महात्मा गांधी जी करो या मरो का नारा देते हैं, और 9 अगस्त को पूरे देश के लाखों लोग सड़कों पर उतरकर और इस नारे को बुलंद करते हैं और लोगों के अंदर एक क्रांति जागती है और लोग इस आंदोलन को खड़ा कर देते हैं कि अंग्रेजों को कमर तोड़ जवाब मिला, मुंह तोड़ जवाब मिला और हमारा देश आज़ाद हुआ। आज अजमेर शहर जिला कांग्रेस कमेटी की ओर से हमारे शहीदों को मैं शश्वत नमन शश्वत वंदन करता हूं और इस मौके पर यही भगवान से प्रार्थना करता हूं कि जो केंद्र में बैठी हुई सरकार है उसे सद्बुद्धि दे कि जिन शहीदों ने अपना खून पसीना बहाकर अपने प्राण गंवाकर इस देश को आज़ादी दिलाई उसको यूँ पानी की तरह निभाएं और हमारे देश की उन संपत्तियों को हमारे देश के भाईचारे को हमारे देश की एकता अखंडता को बनाए रखें। यही प्रार्थना।